everyone, welcome to all in my YouTube channel Maths Cafe. Today I am going to start chapter 6 of class 8, squares and square roots. So first we find what is square, ki square kya hota hai. Suppose I write here 1 and square of 1, iski representation kya hai, aise bracket dal ke upar hum 2 likhte hain, ye hai square, 1 का स्क्वायर. तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मींस 1 स्क्वायर मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विच इज इन द ब्रैकेट 2 टाइम्स, मींस 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1. राइट, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ 2, इट मींस आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. 3 स्क्वायर इज I have to multiply 3 2 times. How many times? 2 times. Because here power is 2. I am finding out squares. So 3 into 3 is equal to 9. 4 square is equal to 4 into 4 is equal to 16. 5 square is equal to 5 into 5 is equal to 25. 6 square is equal to 6 into 6 is equal to 36. अक्सर student क्या mistake करते हैं, जैसे मैंने लिखा मान लो 6 square, तो student यहाँ पे लिखते हैं 6 into 2, कि 6 को 2 से multiply करना है, 6 को 2 से multiply नहीं करना, ये 6 की power है 2. It means bracket के अंदर जो हमारा number है उसको हमने उतने times multiply करना है जितने times हमारी ये power है, ये पावर है हमारी 2, सो तो हम 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36. इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, 10 square is equal to 10 into 10 is equal to 100. क्लियर हो गया आपको ये कंसेप्ट कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है, कि उसी नंबर को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, इन दिस वे. अब मैं आगे जो है वो डायरेक्ट लिखती हूँ, 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर क्या होगा, 11 इंटू 11, और 11 इंटू 11 क्या होता है, 121. 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12, 144. 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13, 169. 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 14, 196. 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 15, 225. 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16, 256. 17 square is equal to 17 into 17, 289. 18 square is equal to 18 into 18 means 324. 19 square means 19 into 19, 361. And 20 square is equal to 20 into 20 is equal to 400. 21 square is equal to 21 into 21, 441. Next, 22 square is equal to 22 multiply 22, 484. Next is 23 square means, what is 23 square? 23 into 23 means 529. 24 square is equal to 24 into 24, 576. 25 square is equal to 25 into 25, 625. ये आपके बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर यूज होते हैं, ये मैंने वो स्क्वायर्स लिखे हैं, और ये सभी बच्चों को लर्न करने चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं रहे. 1 से लेके 25 तक के सभी स्क्वायर सभी बच्चों को आने चाहिए. राइट, अब उसके बाद हम देखते हैं, देखिए जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो हमारा आंसर आया 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया. आप देखिए कि कौन से नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, 1, 4, 9, मैं यूनिट प्लेस की बात कर रही हूँ, 16 में फिर पीछे 6, फिर 5, फिर 6 आ गया, फिर ये 9 फिर आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया. उसके बाद आगे देखिए फिर वही आ गया, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9,
4 1 0. इट मीन्स जो नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 1 4 9 6 और 5 और 6, क्योंकि पहले आ चुका है 9, पहले आ चुका है 1, पहले आ चुका है और 0, सिर्फ ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे स्क्वायर्स में। अब क्या है, मान लो आपके पास कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, सपोज हमें कहा जाता है 321 का स्क्वायर बताओ और इसके यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा ये बताइए, सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो अगर आप 321 को 321 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 321 का यूनिट प्लेस देखते हैं। यूनिट प्लेस क्या है, 1। तो 1 को जब हमने 1 का स्क्वायर किया, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1। अगर वहां 1 आया तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स जब हम 321 को 321 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा उसमें जो ये यूनिट प्लेस है यहाँ पे 1 आएगा। कहने का भाव क्या है कि जो बिगर नंबर है, अगर आपका बड़ा नंबर है उसको का स्क्वायर आपने निकालना है तो पूरा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ यूनिट प्लेस का नंबर पूछा है तो आप ये देख लीजिए कि उसका यूनिट प्लेस किससे मैच करता है। अगर यहाँ पे 322 होता तो हम ये देख लेते 2 का स्क्वायर 4 था, इट मीन्स यूनिट प्लेस 4 है, राइट। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मान लो हमारे पास है 479 स्क्वायर। पूछा आपसे ये जाता है कि इसके स्क्वायर में लास्ट यूनिट प्लेस जो है वो बताइए क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं 9 देखते हैं, यूनिट प्लेस 9 है, 9 के स्क्वायर में क्या आया था, 1। तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा, 479 के स्क्वायर में, आप करके देख लेना, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के उसमें कंसेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर हमारे पास किसी भी बड़े नंबर का अगर हमने स्क्वायर निकालना है तो हम सिर्फ उसका यूनिट प्लेस का देख के चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसके बाद एक और हमारा कंसेप्ट आता है परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, ये हमारे सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो हमने किसी नंबर के स्क्वायर्स निकाले, मींस ये वाली जो रो है मेरी, ये सारी, ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह यहां और यहां, इनको मैं क्या कह सकती हूँ कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कैसे पता चलेगा, जिसके पीछे, जिस भी नंबर के स्क्वायर के पीछे 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 आए, 5 आए या 0 आए, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स कहेंगे। आपको पूरा स्क्वायर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एंड का डिजिट देख लीजिए, 1 यूनिट प्लेस का डिजिट देख लीजिए, अगर वो 1 4 9 6 5 या 0 में से कुछ है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन थी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर्स की। अब परफेक्ट स्क्वायर का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 1 4 9 6 5 या 0 में से है तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मान लो आपके पास आता है 2, कोई नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 2 है, तो आप पूछा जाए आपसे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप कहेंगे एकदम से नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 3 आए तो भी नहीं है, 7 आए तो भी नहीं है, 8 आए तो भी नहीं है। अगर ये वो नंबर्स इन डिजिट्स के साथ एंड हो रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है आज स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स की चैप्टर 6 की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस ऑन लाइक बटन एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।